मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। रीवा जिले की सभी पंचायतों में कार्यरत उपयंत्री, ब्लॉक समन्वयक, सचिव रोजगार, सहायक सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस हड़ताल की वजह से पंचायतों में पूरी तरह से काम ठप पड़े हुए हैं। रीवा जिले की कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह ने भी सिरमौर जनपद परिसर पहुंचकर कर्मचारियों का समर्थन किया और मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सिरमौर जनपद अंतर्गत पदस्थ सचिव प्रदीप सिंह, योगेश सिंह, योगेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह समेत रोजगार सहायक मौजूद रहे। अगर आप लोगों को स्मरण हो तो कमलनाथ जी की जब सरकार कांग्रेस में हुआ करती थी, उन्होंने कई कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जब से ये शिवराज सरकार आई है, लगातार कर्मचारी विरोधी कार्यों में लिप्त है। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 22 तारीख से प्रदेश भर के पंचायत कर्मी, रोजगार सहायक अपनी लंबित मांगों को लेकर अनशनरत हैं, आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि उनकी सभी मांगें जायज हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार मानवता भी भूल चुकी है। जो रोजगार सहायक किसी गरीब मृत व्यक्ति के संबल योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए स्वीकृत कराने में अपना योगदान देता है, उसी रोजगार सहायक सचिव की मृत्यु में सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया है।